रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस रामनिवास रावत के खिलाफ हमलावर हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के संगठन के प्रभारी शिव भाटिया ने रामनिवास रावत को लेकर टिप्पणी की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के संगठन के प्रभारी शिव भाटिया ने रामनिवास रावत पर कांग्रेस पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाया है। शिव भाटिया ने कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें दो बार पार्लियामेंट का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा, उन्होंने 6 बार कांग्रेस की टिकट पर विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मंत्री भी बनाया, लेकिन जनता उन्हें अब कभी माफ नहीं करेगी, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। मुझे हैरानी है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, जबकि वह कांग्रेस पार्टी में सम्माननीय नेता थे। देखो, रामनिवास रावत जी हमारे बहुत सम्माननीय हैं, और आज की परिस्थितियों में उनको ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा ये तो वही बता सकते हैं। और उन्होंने ये जो सोच के निर्णय लिया है, जिस पार्टी ने उनको 6 बार MLA बनाया, 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, ऐसा क्या हो गया आज कि ऐसे पड़ाव के ऊपर आके खड़े होकर उन्होंने पार्टी को धोखा दिया? तो धोखा देना कोई समय के साथ कोई जनता स्वीकार नहीं करती है, उसका निर्णय अटल है। और वो कोई भी कभी भी अगर ऐसा काम करता है तो जनता उसको विमुख कर देती है, अपने आप से समझ आ जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता ही निर्णायक होती है और जनता ने अपना मन बना रखा है इस बार बदलाव का। अब जनता में जाके बात करिए ना, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। वोट जब डालने जाना है तो वोट चुपचाप उन्होंने डालना है। नेताओं को डरा सकते हैं वो लोग केसेस बना के किसी भी रूप में, जनता को कहां से डराएंगे, वो तो समय बताएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस रामनिवास रावत के खिलाफ हमलावर हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के संगठन के प्रभारी शिव भाटिया ने रामनिवास रावत को लेकर टिप्पणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।